नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट बाय अवधेश और अनुराधा गुप्ता। ठीक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है लॉजिकल वेन डायग्राम। आपको पता है SSC हो या रेलवे हो, ये वाला टॉपिक जरूर आता है। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के अंदर बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम, कि कैसे हम विदिन अ सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम होता क्या है, मतलब ये क्या करता है। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग प्रॉब्लम्स टेस्ट योर एबिलिटी टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, ये बताता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, जो आइटम्स उसमें क्या रिलेशन बन रहा है। इन ईच क्वेश्चन देयर विल बी 4 डायग्राम्स। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 डायग्राम बने होते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन। उनमें से तुम्हें एक सिलेक्ट करना होता है विच यू थिंक बेस्ट इलुस्ट्रेट दी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स। मतलब हमारे ऑप्शन में 4 डायग्राम हमें गिवन होते हैं और आपको वो डायग्राम सेलेक्ट करना होता है जो सबसे अच्छा उस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आइटम्स गिवन है उनकी रिलेशनशिप को बता रहा है, वो हमें सेलेक्ट करना होता है। चलिए देखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लॉयन एलिफेंट एंड एनिमल्स। कौन सा बताएगा, लाइंस को, एलिफेंट्स को एंड एनिमल को। अब देखिए जो एनिमल है, एनिमल को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, लाइंस एंड एलिफेंट में। तो एनिमल्स के अंदर क्या आएगा, लाइन होगा और दूसरा एलिफेंट्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे, देखिए अगर हम ए डायग्राम की बात करते हैं तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल को और इसके अंदर एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लाइंस को, दूसरा एलिफेंट को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेटो फूड्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, अब देखिए पोटेटो फूड एंड वेजिटेबल, जो फूड है उसके अंदर क्या हो सकता है हमारा, वेजिटेबल्स भी खाने का आइटम होता है, पोटेटो भी खाने का आइटम होता है। ठीक है, और वेजिटेबल के अंदर हमारा क्या आता है, पोटेटो आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। बड़ा सर्कल हमारा फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे छोटा वेजिटेबल को, और वेजिटेबल के अंदर हमारा क्या हो गया, पोटेटो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टी को कॉफी एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब होता है पीने का आइटम, जो पीने का सामान होता है। अब टी को भी हम पीते हैं और कॉफी को भी हम पीते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा सर्कल बेवरेजेस को डिनोट करेगा और उसके अंदर हमारा टी हो जाएगा और कॉफी हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कुछ बॉय एथलीट्स हो सकते हैं, कुछ बॉय स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट बॉयज हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स बॉयज हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कुछ पोर्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कुछ पोर्शन हमारा बॉय स्टूडेंट एंड एथलीट्स। ठीक है, तीनों अलग अलग एंटिटी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द डायग्राम विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन थीफ क्रिमिनल एंड जज। अब देखिए जज तो अलग पोर्शन हो गया, लेकिन एक थीफ से क्या बनता है, क्रिमिनल बनता है। पहले थीफ होता है फिर क्रिमिनल बनता है, ऐसे तो ना डायरेक्ट क्रिमिनल होके थीफ बनता है। तो कौन सा शो करेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बताएगा, ऑप्शन नंबर सी बताएगा कि कौन सा वाला हमारा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा शी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स। अब एटम का पार्ट क्या क्या है, प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एटम का पार्ट हमारा क्या क्या है, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड एटम। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पैरट्स बर्ड्स एंड डॉग। अब देखिए बर्ड्स किसका पार्ट है, बर्ड पार्ट है हमारा पैरट का। तो बर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, पैरट आ जाएगा और डॉग्स, डॉग्स क्या हो जाएगा, अलग से बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, विच रिप्रेजेंट द इनर सर्कल रिप्रेजेंट बर्ड
आउटर सर्कल रिप्रेजेंट इनर सर्कल रिप्रेजेंट पैरट्स, द आउटर सर्कल रिप्रेजेंट बर्ड्स एंड दिस द डिफरेंट सर्कल रिप्रेजेंट डॉग्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पेपर्स में आते हैं, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो। ठीक है, दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसी में दूसरा टाइप बनता है। दूसरा टाइप क्या बनता है, इसके दो से तीन क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमें डायग्राम गिवन होता है कि ये एक डायग्राम है जिसमें क्या क्या है, जिसमें है ट्रायंगुलर रिप्रेजेंट एडुकेटेड, सर्कल रिप्रेजेंट अर्बन और स्क्वायर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडुकेटेड को, और सर्कल, तो ट्रायंगल हमारा हो गया, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ट्रायंगल हमारा हो गया एडुकेटेड, सर्कल हमारा हो गया अर्बन, और रेक्टेंगल हमारा क्या, स्क्वायर हमारा क्या हो गया, गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडुकेटेड मैन बट नॉट अर्बन, केवल एडुकेटेड मैन होने चाहिए। अब देखिए अगर सबसे पहले देखिए एडुकेट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल को, तो अगर फोर लेते हैं तो फोर में तीनों आ रहा है, 11 लेते हैं तो हमारा अर्बन आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 5, जो हमारा केवल एडुकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वुमेन हु इज अर्बन एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक औरत जो कि अर्बन है, एक औरत जो कि अर्बन है और साथ के साथ क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब अर्बन और अर्बन, देखिए अर्बन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, और साथ में क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। तो देखिए 6 हमारा क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, साथ में क्या है, अर्बन भी है हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा 10 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 भी हमारा, 10 हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि रेक्टेंगल से बाहर जा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए आंसर विल बी 6, जो हमारा दोनों होना चाहिए, अर्बन होना चाहिए, साथ के साथ हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए, 10 ओनली केवल अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल थ्री, थ्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री को हमारा 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हमारा अर्बन भी हो गया, एडुकेटेड भी हो गया और गवर्नमेंट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आर्टिस्ट है वो हमारा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्लेयर्स हमारा सर्कल से, और डॉक्टर हमारा ट्रायंगल से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर, मतलब वो डॉक्टर बताने जो केवल क्या हो, डॉक्टर हो, लेकिन वो किस में नहीं जाने चाहिए, आर्टिस्ट में भी नहीं जाने चाहिए, मतलब रेक्टेंगल में नहीं जाने चाहिए और प्लेयर सर्कल में नहीं जाने चाहिए, तो वो डॉक्टर कौन है, 17, जो हमारा किसी का भी पोर्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डॉक्टर्स जो प्लेयर भी हो और आर्टिस्ट भी हो, तो देखिए जो थ्री है, जो थ्री है, थ्री हमारा उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन है, थ्री हमारा आर्टिस्ट भी है और प्लेयर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन होना चाहिए तीनों का। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, जो आर्टिस्ट भी हो और प्लेयर भी हो, अब आर्टिस्ट हमारा रेक्टेंगल और प्लेयर हमारा सर्कल, तो क्या हो जाएगा, 22, जो हमारा दोनों में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है और रेक्टेंगल में आ रहा है, तो 22 हमारा आर्टिस्ट और प्लेयर, प्लेयर हमारा सर्कल और आर्टिस्ट हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, इसका आंसर इसमें ऑप्शन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। हाउ मेनी प्लेयर्स नीदर आर्टिस्ट नो डॉक्टर, मतलब ओनली प्लेयर बताना है, मतलब जो केवल सर्कल में आ रहा है, जो जो 25 है वो केवल सर्कल के अंदर आ रहा है, जो ना कि रेक्टेंगल में आ रहा है ना ट्राइंगल में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपके प्रीवियस ईयर से हमने लिए थे और जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करिए, और अगर कुछ भी टॉपिक आपको पढ़ना है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK, कुछ भी टॉपिक आपको पढ़ना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।